दुनिया के सारे देशों में से फास्टेस्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी गैजेट्स की बात की जाए तो चाइना और रशिया का नाम सबसे पहले आता है हम सबके दिमाग में। ये दोनों देश बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। तो ये दो देशों की कंपैरिजन में हम कुछ फैक्टर्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिलिट्री बजट और ऐसे कई और फैक्टर्स इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। फैक्टर्स ऑफ कंपैरिजन। जीडीपी रेट। चाइना का नॉर्मल जीडीपी 14.172 ट्रिलियन डॉलर है और ग्रोथ रेट 6.6%। रशिया से कंपेयर करें तो रशिया का नॉर्मल जीडीपी 1.579 ट्रिलियन डॉलर है और ग्रोथ रेट 1.6% है। अगर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो चाइना सेकंड नंबर पे है और रशिया 12th नंबर पे है। चाइना का जीडीपी सोर्स 51.6% सर्विस, 39.8% इंडस्ट्री और 8.6% एग्रीकल्चर से आता है। वही रशिया की जीडीपी का मेन सोर्स 62.3% सर्विसेज, 32.4% इंडस्ट्री और 4.7% एग्रीकल्चर से आता है। एरिया। चाइना के एरिया की बात करें तो इसका एरिया 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया का एरिया 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर है। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि यहाँ पे टोटल 9 टाइम जोन्स है। एक एरिया के पार्ट में सुबह होती है तो दूसरे पार्ट में रात होती है। बीजिंग चाइना का कैपिटल है और रशिया का कैपिटल मॉस्को है। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना का पॉपुलेशन 142 करोड़ है और वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है। ग्रोथ रेट 0.6% है। रशिया का पॉपुलेशन 14.5 करोड़ है और वर्ल्ड में 9th रैंक पे है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.1% है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया में जेंट्स के मुकाबले लेडीज पॉपुलेशन ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन देशों के कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो चाइना में 1 लीटर वाटर बॉटल की कीमत इंडियन रुपीस के हिसाब से 21 रुपीस होती है। वही रशिया में 1 लीटर वाटर बॉटल की कीमत इंडियन रुपीस के हिसाब से 40 रुपीस होती है। चाइना सिटी के सेंटर में एक रूम का रेंट रुपीस 30,000 to 40,000 है इंडियन रुपीस के हिसाब से। वही रशिया की बात करें तो एक रूम का रेंट 25,000 to 30,000 है इंडियन रुपीस के हिसाब से। रिलीजन। रिलीजन की बात करें तो चाइना में 73.56% लोग एथिस्ट है, यानी कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। 15.87% बुद्धिज्म, 7.60% ताओइज्म, 2.53% क्रिश्चियन और 0.45% मुस्लिम लोग है। वही रशिया में देखे तो 41% रशियन ऑर्थोडॉक्सी, 25% स्पिरिचुअल बट नो रिलीजियस, 13% एथिस्ट, 6.5% मुस्लिम्स, 41% क्रिश्चियंस और 1.9% बुद्धिस्ट, पैगन्स और ज्यूइश धर्म के लोग रहते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फोर्थ लार्जेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। CNSA का ईयरली बजट $11 बिलियन है। रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रोस्कोसमोस वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है और इसका ईयरली बजट $5.9 बिलियन है। लिटरेसी रेट यानी एजुकेटेड लोगों की बात करें तो चाइना का लिटरेसी रेट 96.4% है और रशिया का लिटरेसी रेट 99.7% है। मिलिट्री बजट। चाइना का मिलिट्री बजट $180 बिलियन है। मिलिट्री बजट में चाइना US और रशिया के बाद 3rd नंबर पे है। वही रशिया का मिलिट्री बजट है $69.3 बिलियन और ओवरऑल मिलिट्री बजट 2nd रैंक पे है। फ्रेंडली कंट्रीज। चाइना की रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, बेलारूस, सर्बिया और सीरिया है। वही रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज में क्यूबा, चाइना, ईरान, सर्बिया, सीरिया, कजाकिस्तान और बेलारूस शामिल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब लोग 76.34 ईयर्स तक जीते हैं। वही रशिया में 71.59 ईयर्स जीते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि लोगों के पास कुछ काम नहीं है, ऐसा चाइना में 3.79% है और रशिया में 4.9% रेट है। तो दोस्तों, ये थे चाइना और रशिया के कंपैरिजन के कुछ इन्फॉर्मेशन।
अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।